नमस्कार प्रियजनों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी शुभचिंतक। आप आए मेरे चैनल पर, आपका बहुत बहुत सबका धन्यवाद। माँ दुर्गा के नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे कल 12 तारीख को शुरू हो रहे हैं। जैसे ही आज मौनी अमावस है, मौनी अमावस समाप्त होते ही कल गुप्त नवरात्रा शुरू हो जाएंगे। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 जो आम जन लोग मनाते हैं और 2 नवरात्रे जो गुप्त नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रे जो होते हैं वो ज़्यादातर लोग बाग जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते हैं वो इसको प्रयोग में लाते हैं और वो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, आम जन लोग कम करते हैं। लेकिन ये भी नवरात्रे उतने ही प्रभावशाली हैं जितने दोनों बाकी वाले नवरात्रे प्रभावशाली हैं। तो आज मैं जो बताने वाली हूँ उपाय, वो इन नवरात्रों में हमारे बेटे बेटियों को ज़रूर इस नवरात्रों में उपाय करना चाहिए और उपाय करने के साथ ही उन्हें लाभ भी उठाना चाहिए नवरात्रों का। बहुत छोटा सा उपाय है जो मैं आज बताने जा रही हूँ। इसको लड़के लड़कियाँ करें, मम्मी पापा करें, बच्चों का नाम का संकल्प लेकर। और लड़कियाँ अगर इन 9 दिनों में पीरियड टाइम में आ जाती हैं तो वो मैं समझती हूँ जहाँ तक उनके नाम लेके कोई और उनका परिवार का सदस्य कर सकता है, लेकिन वो इस उपाय को फिर ना करें। करना आपको 9 दिन ही का है इसको उपाय को, और सुबह और शाम को करें। और सुबह नहीं कर सकते तो शाम को करें, शाम को नहीं कर सकते तो सुबह करें, और हो सके तो दोनों टाइम करें इस उपाय को जो मैं आज बताने जा रही हूँ। ये जो उपाय है गुलाब के फूल का उपाय है। गुलाब के फूल के पास आपको एक चीज़ जलानी है, जला के और उसका जो धुआँ होगा वो गुलाब के फूल को जब लगेगा तो वो गुलाब का फूल आपको माता को अर्पित करना है। गुलाब का फूल जो है वो शुक्र का प्रतीक है। शुक्र देव आपके प्रसन्न होंगे, मजबूत होंगे, क्योंकि आप जानते हैं विवाह के लिए शुक्र देव और बृहस्पति देव दोनों ही स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, दोनों का ही खुश रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बृहस्पति देव ने आपकी शादी करवा दी और शुक्रदेव आपके प्रसन्न नहीं हुए तो फिर आपका दाम्पत्य जीवन गड़बड़ हो जाएगा। और अगर शुक्रदेव आपके प्रसन्न हैं और बृहस्पति देव नाराज हैं तो शादी ही नहीं हो पाएगी, तो फिर दाम्पत्य जीवन तो आगे की बात रह जाएगी। तो आपका शुक्र जब मजबूत होगा तो आप बिना शादी किए ही यहाँ वहाँ के प्रेम चक्रों में पड़े रहेंगे और उसका वो हासिल कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आज जो मैं उपाय बता रही हूँ आपको, शुक्रदेव का उपाय बता रही हूँ। जो चीज़ जलानी है वो भी शुक्र का प्रतीक है और जो गुलाब है वो भी शुक्र का प्रतीक है। तो नवरात्रों का लाभ उठाते हुए आप इस उपाय को जरूर करें। आपको करना क्या है, सुबह नहा धो के जैसे ही आप अगर कलश स्थापना करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप 9 दिन दुर्गा माँ की पूजा जरूर करिए। और आप एक काम करें कि सबसे पहले तो आप गुलाब का फूल आज की तारीख में ही व्यवस्था कर लें। गुलाब का फूल एक चाहिएगा, 2 हो आपके पास बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक तो गुलाब का फूल होना ही चाहिए आपके पास। माँ दुर्गा की कल पूजा करें, उनको धूप दीप आरती जो भी आप करते हैं वो सब तो करना ही है आपको, लेकिन उसके साथ ही आपको कपूर की टिक्कियाँ भी आज ही व्यवस्था करके रखनी है। आपको कपूर की टिक्कियाँ लेके और माँ दुर्गा के आगे जो पूजा करनी है आपको, उसमें कपूर की टिक्कियाँ को थोड़ा सा घी ले लीजिएगा, घी में कपूर की टिक्कियाँ भिगो के रख दीजिएगा। आप पूजा की तैयारी करने लगे उससे पहले कपूर की टिक्कियाँ घी में भिगो के रख दीजिएगा। अब आपको एक किसी थोड़ी चीज़ पर आग जलानी है। आग अगर आपके पास ऑलरेडी हो तो ठीक बात है, नहीं तो आप कपूर की टिक्कियाँ को ही आग लगा देंगे घी में भीगी हुई, तो वो भी जलना शुरू हो जाएगी अपने आप। किसी चम्मच में, किसी छोटी बड़े चम्मच में, या आपका मान लीजिए फर्श ही ऐसा है कि आपको कोई ऐतराज़ नहीं है कि नीचे भी आप पूजा घर में वहाँ उस जगह पर भी जला सकें, जैसे नीचे रख के, नीचे तो नहीं रख के जलानी चाहिए जहाँ तक संभव हो। कोई आप छोटा चम्मच ले सकते हैं, बड़ा चम्मच ले सकते हैं, उस चम्मच में घी में भीगी हुई कपूर की टिक्कियाँ आप उस चम्मच में रख के, अगर अग्नि है आपके पास तो उसमें वो भीगी हुई जो टिक्कियाँ है घी में उसको रख दें, जलना शुरू हो जाएगी। गुलाब के फूल के सामने, गुलाब के फूल के सामने, माता के सामने गुलाब का फूल नहीं रखना है। पहले गुलाब के फूल के सामने आपको ये घी में भीगी हुई टिक्कियाँ जलानी है। और अगर आपके पास आग वैसे नहीं है कोई बात नहीं, तो आप उस टिक्कियाँ को ही आग लगा देंगे सीधा, तो भी वो जलना शुरू हो जाएगी घी में भीगी हुई। तो आपको घी में भीगी हुई वो टिक्कियाँ जला के
उस फूल को के सामने पहले जलाने के बाद फिर आपको उस जो चम्मच है आपका या बड़ी कुर्सी है आपकी जो भी है उसको अगर आप सारे घर में घुमा सकें, जलती हुई को सारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घुमा दें उसको, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं कर पाएं तो कोई बात नहीं, शाम के टाइम वाला आप कर लें, सुबह वाला आप टिकिया वहाँ जला दें। जलाने के बाद जैसे ही वो पूरी टिकिया जल जाए आपकी, उसके बाद से उस फूल को उठा के अब माँ दुर्गा को अर्पित करना है। उस फूल को आपको अब अर्पित करना है, पहले अर्पित नहीं करना, अब अर्पित करना है। जो टिकिया आपने घी में डूबी हुई माता के आगे, उस फूल के आगे जला दी है, अब उस फूल को आप अर्पित कर दें माता रानी को और विनती प्रार्थना करें। विनती प्रार्थना करें, आपके विवाह के संयोग बहुत सुंदर बनेंगे, सुंदर बनेंगे। मैं गुलाब का फूल और जो कपूर है उसके कारण कह रही हूँ सुंदर बनेंगे। शब्द सुंदर मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि शुक्रदेव जो है वो सुंदरता के ही प्रतीक हैं। तो आपको ये उपाय जरूर करना है। बेटियां करें, बेटे करें, उनके मम्मी पापा करें, जरूर करें। छोटा सा उपाय है, सुबह करें, शाम को करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस नवरात्रों का, गुप्त नवरात्रों का फायदा उठाएं जरूर, और शेयर भी करें। जो बेटियां इसकी जरूरतमंद हैं, बेटे जरूरतमंद हैं, उन लोगों को। मैं मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में आप सबसे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में मेरे से अपने विचार जरूर शेयर करें।